सावनेर थाना अंतर्गत नागपुर रोड पर करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित नाग मंदिर में बैठे एक मनोरुग्ण को करीब के ही दुकानदार संजय गुप्ता व दुकान में काम करने वाले दो युवाओं की मदद से लाठी डंडों से अमानुषता से पीटकर जान से मारने की कोशिश का मामला उजागर हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित मनोरुग्ण पिछले कुछ दिनों से शहर की सड़कों पर घूम रहा था। शाम को ही नागपुर रोड पर स्थित नाग मंदिर में पहुंचकर रात वहीं बिताकर सुबह फिर निकल जाया करता। मिला तो खाया, नहीं तो भूखा सो गया, ऐसी उसकी दिनचर्या होने की बात क्षेत्र के नागरिकों ने बताई है। 18 नवंबर की सुबह 10 बजे के करीब बेसहारा मतिमंद रुग्णों की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले समाज सेवी तथा हित ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक हितेश बंसोड़ को इसकी जानकारी प्राप्त होते ही वे घटना स्थल पहुंचे और संजय गुप्ता एवं उनके साथियों द्वारा मारपीट कर रहे मनोरुग्ण को उनसे छुड़ाकर सावनेर पुलिस को इस अमानवीय घटना की जानकारी देकर पीड़ित मनोरुग्ण को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सावनेर लेकर पहुंचे। उनका प्राथमिक इलाज वहां कराया गया। साथ ही एक बेसहारा लाचार अपनों से दूर अपने मनोरुग्णता के कारण लाचारी का जीवन व्यतीत करने वाले इस प्रकार का अमानवीय बर्ताव करने वाले संजय गुप्ता एवं उनके दोनों साथियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग अब उठने लगी है। कल मुझे कॉल आया कि रास्ते पे कुछ लोग एक मनोरुग्ण को मार रहे थे, तब मैं तुरंत अपनी एम्बुलेंस गाड़ी लेकर घटनास्थल गया। तब मुझे संजय गुप्ता और उसके दो साथीदार उसको मारते हुए दिखे। मैंने उनको बताया कि मनोरुग्ण इसको मारो मत, लेकिन वो बहुत गाली गलौज करने लगे और उसको रास्ते पे जाके छोड़ दिया। वैसे भी हमने उसको हमारे एम्बुलेंस गाड़ी में डालकर उसके सावनेर प्राथमिक आरोग्य केंद्र में लाया। उसके बाद हमने सावनेर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद डॉक्टर का कॉल आया कि इसको इमरजेंसी में नागपुर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि सर पे मार होने से और उसको पीठ दर्द में ज़्यादा मार होने से उसको ये आ रहा था, झटके आ रहे थे, तो उसको हमने नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे एडमिट किया। NBC न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।